पिछली शर्मगाह में हम बिस्तरी करने वाले मर्द और औरत की तीन निशानियाँ। नंबर वन, औरत की पिछली शर्मगाह का मोटा होना। शादी से पहले औरतों की पिछली शर्मगाह छोटी होती है, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद औरत की पिछली शर्मगाह मोटी हो जाती है। फिर ऐसी औरत मर्द से पिछली शर्मगाह में जमा कराती है, या मर्द औरत की पिछली शर्मगाह में जमा करता है और औरत दर्द महसूस नहीं करती, बल्कि उसको लज्जत मिलती है। बार बार हम बिस्तरी करने से औरत की पिछली शर्मगाह मोटी हो जाती है। नंबर टू, छोटे कद वाली औरतें। वो औरतें जो कद में छोटी होती हैं लेकिन बनिस्बत बड़े कद वाली औरतों से छोटे कद वाली औरतें ज़्यादा देर तक जवान रहती हैं और पिछली शर्मगाह में हम बिस्तरी करने को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। छोटे कद वाली औरतें जिनसी तौर पर गर्म होती हैं और जल्दी शहवत में आती हैं, और शहवत की ज़्यादती की वजह से वो अपनी पिछली शर्मगाह में हम बिस्तरी करना पसंद करती हैं। नंबर थ्री, फहश वीडियोस देखने वाली औरतें या मर्द। वो औरतें या मर्द जो गंदी वीडियोस देखते हैं और इन वीडियोस की वजह से उनके आगे और पीछे की दोनों शर्मगाहों में शहवत आ जाती है, अपनी इस शहवत को पूरा करने के लिए ज़्यादातर मर्द पीछे की शर्मगाह में हम बिस्तरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। या ऐसी औरतें जिनकी डिलीवरी के बाद शर्मगाह का साइज़ खुल जाता है, तो मर्द पीछे की शर्मगाह में हम बिस्तरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पीछे की शर्मगाह टाइट होने की वजह से मर्द को ज़्यादा मज़ा और सुकून मिलता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू।